सादर प्रणाम सभी को। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो आरबीआई से संबंधित, यानी कि आरबीआई से संबंधित जो अनुभाग 7 है फिलहाल बहुत चर्चा में है, हम उसके संदर्भ में जानेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, यानी कि इस बोर्ड के विषय में जानेंगे। हम जानेंगे कि ये फिलहाल चर्चा में क्यों है सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, और जो अनुभाग 7 है यानी कि सेक्शन 7 है वो क्या है, आरबीआई बोर्ड का क्या स्वरूप है, आरबीआई बोर्ड के सदस्यों का क्या कार्यकाल है और बोर्ड के क्या कार्य हैं। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आज का वीडियो तैयार किया गया है। परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि फिलहाल बहुत चर्चा में है। तो बात कर लेते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई की। चर्चा में क्यों है कि ऐसा कहा जा रहा है कि भारत सरकार आरबीआई को विशेष निर्देश देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का जो अनुभाग 7 है उसका प्रयोग करने जा रही है। अब ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि जो आरबीआई गवर्नर हैं उर्जित पटेल, वो इस धारा के अंतर्गत जो विशिष्ट दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसके कारण इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो जानना जरूरी हो जाता है कि ये सेक्शन 7 है क्या जिसकी वजह से गवर्नर अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। ये अनुभाग जो है इसके अनुसार केंद्र सरकार को ये शक्ति है कि वह समय समय पर आरबीआई गवर्नर से परामर्श करके आरबीआई को ऐसे निर्देश दे सके जो उसकी दृष्टि से लोक हित में आवश्यक हैं। यानी कि केंद्र सरकार यहाँ पर आरबीआई से परामर्श कर सकती है, गवर्नर से परामर्श कर सकती है और गवर्नर से परामर्श के बाद आरबीआई को ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो लोक हितकारी हों। बात करें दूसरा, इस अनुभाग का एक उप अनुभाग भी है, यानी कि सेक्शन का एक सब सेक्शन भी है जो ये कहता है कि भारत सरकार चाहे तो बैंक के सामान्य पर्यवेक्षण और कारोबार को वह एक केंद्रीय निदेशक बोर्ड को सौंप सकती है जो बैंक द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य कर सकता है और बैंक की सारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो जो ये एक अलग से बोर्ड की नियुक्ति हो रही है इसका बहुत विरोध किया जा रहा है। तो ये अनुभाग के अंतर्गत एक केंद्रीय निदेशक बोर्ड यहाँ पर गठित हो सकता है और जो बैंक द्वारा जितनी कार्यवाहियां की जाती हैं ये बोर्ड वो सभी कार्यवाहियां कर सकता है। तो ये है सेक्शन 7 यानी कि अनुभाग 7 और अनुभाग 7 का उप अनुभाग। अब बात कर लेते हैं आरबीआई बोर्ड जो है उसका क्या स्वरूप होगा, यानी कि कौन कौन लोग इस बोर्ड के अंतर्गत होंगे। तो सबसे पहले एक ऐसा निकाय है जिसमें बहुत सारे पदाधिकारी या प्राधिकारी होंगे, जिनमें सबसे पहले होंगे आरबीआई के गवर्नर, दूसरे नंबर पर होंगे 4 डिप्टी गवर्नर और तीसरे नंबर पर होंगे अलग अलग क्षेत्रों के अधिकतम 10 गैर सरकारी निदेशक जिन्हें भारत सरकार के द्वारा नामित किया जाएगा। इसके अलावा 2 सरकारी निदेशक भी होंगे और सॉरी 2 सरकारी अधिकारी भी होंगे और आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्डों में से एक निदेशक भी इसका सदस्य होगा। यानी कि इतने लोगों से मिलकर आरबीआई बोर्ड का स्वरूप तैयार किया जाएगा जिसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर और 10 गैर सरकारी निदेशक जो भारत सरकार द्वारा नामित होंगे, 2 सरकारी अधिकारी और आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्डों से एक एक निदेशक। अब बात कर लेते हैं कि आरबीआई बोर्ड के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना होगा। तो बोर्ड के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष, नामित निदेशकों का कार्यकाल 4 वर्ष और बोर्ड के जो सरकारी अधिकारी हैं उनका कार्यकाल सरकार के प्रसाद पर्यंत तक होगा। बोर्ड का क्या काम है? बोर्ड का काम है कि आरबीआई नियमों के अनुसार रिजर्व बैंक के कार्य का जो भी कार्य किए जाते हैं रिजर्व बैंक के द्वारा उन कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण, उनका दिशा निर्देश और इस बोर्ड को जो पूरी जिम्मेदारी है सौंपी गई है, यानी कि आरबीआई के जो नियम है उनके अनुसार रिजर्व बैंक के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण होगा और दिशा निर्देश का कार्य भी यहां पर बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। जो कार्य आरबीआई करता है वही कार्य बोर्ड भी कर सकता है। बोर्ड का काम होगा सरकार को बैंक नोट की रूपरेखा,
आकार और इनके लिए क्या सामग्री प्रयुक्त की जानी चाहिए इस विषय में अपनी अनुशंसा भी देगा। बोर्ड कब बैठता है यानी कि इसकी बैठक कब होती है इसके संदर्भ में यह है कि आरबीआई गवर्नर एक वर्ष में कम से कम 6 बार बैठक बुलाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ष में 6 बार बैठक, और ये अनिवार्य है कि प्रत्येक तिमाही में कम से कम 1 बार बैठक जरूर हो, और यदि 4 निदेशक कह देते हैं तो गवर्नर को बैठक बुलानी होती है और गवर्नर की अनुपस्थिति में डिप्टी गवर्नर को बैठक की अध्यक्षता करनी होती है। यदि मत विभाजन होता है तो गवर्नर एक अलग से दूसरा वोट भी दे सकता है, दूसरा मत भी दे सकता है, जो ये दूसरा मत निर्णायक होगा। तो ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, फिलहाल बहुत चर्चा में है। सेक्शन 7 क्या है, इम्पॉर्टेंट है, चर्चा में है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और आपसे हम अपेक्षा करते हैं हमेशा की तरह कि आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। अगले वीडियो में अगले चर्चा बिंदु, अगली जानकारी के साथ आपके सामने हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।